वेलकम और वेलकम बैक अगेन दिव्यांशी की फैमिली में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं दीक्षा, कैसे हैं आप सब? बातें आपको बताई जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएं जो धनतेरस पे आपको खरीदने से आपके घर में स्वयं ही लक्ष्मी बात कर जाएंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको आप अगर धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो लक्ष्मी आपके घर से कोसों दूर हो जाएंगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती हो। चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको नहीं खरीदना है लोहे का कोई भी बर्तन, लोहे का कोई भी सामान, क्योंकि लोहे का संबंध राहु से होता है और राहु बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है किसी के लिए भी। तो आपको कभी भी लोहे से संबंधित कोई भी बर्तन, लोहे से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी वाहन लेने का सोच रहे हो तो आप वाहन के जो भी पेमेंट करें वो धनतेरस के कुछ दिन पहले ही कर दें, एक दिन पहले ही कर दें, उस दिन पेमेंट करने से थोड़ा सा बचें। चीज़ जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है वो है काले रंग से रिलेटेड कोई भी चीज़, मतलब आपको काले रंग से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। काले कपड़े, काले बर्तन, काली कोई भी चीज़ आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि काले रंग का संबंध भी राहु से होता है जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। और ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता, परेशानी, बीमारियां ही आती हैं, इसलिए आप काले रंग से भी बचें। उसके बाद जो आपको कोई चीज़ नहीं खरीदनी है वो है कांच का सामान। आपको धनतेरस के दिन कांच का सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि कांच, आप एल्यूमिनियम के बर्तन भी बिल्कुल ना खरीदें। आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि आपको केवल धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने, तो आप कोई भी खरीद सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम के बर्तन भी नहीं खरीदने हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी कोई पूजा नहीं की जाती है। तो आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें, आप एल्यूमिनियम के बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। उसके बाद जो आपको नहीं खरीदना है वो है नुकीले सामान, मतलब आपको नुकीले कोई भी चीज़ धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। इससे भी आपके घर में बीमारियाँ, परेशानियाँ, अशुभ फल आपको मिल सकता है, इसलिए आप धनतेरस के दिन नुकीले सामान जैसे कि चाकू, कैंची या कुछ भी जो नुकीली हो आपको वो बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो किसी को पता भी हो सकती हो, किसी को नहीं भी पता हो सकती हो। अगर आप धनतेरस वाले दिन ये चीज़ें खरीदते हैं तो आपके घर में केवल और केवल लक्ष्मी जी दूर जाने वाली हैं, और आपके घर में बीमारियाँ, मन मुटाव, क्लेश, ये सारी परेशानियाँ आपके घर में आने वाली हैं। तो आप धनतेरस में ये चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए जिससे आपको शुभ फल मिले, सुख समृद्धि, कीर्ति, यश, ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप गरीब परिवार से हैं, आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आप बहुत ऊंचे परिवार से हैं और नहीं भी हैं, तो आपको अगर ये तीन चीज़ें भी खरीद लेते हैं, अगर आप गरीब भी हैं, आपका बजट नहीं है सोना चांदी कुछ खरीदने का, तो आप सबसे पहली चीज़ तो धनतेरस वाले दिन नमक, क्योंकि नमक खरीदने से आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वो बहुत दूर चली जाती है। तो ये कोई भी हो, आप नमक हमेशा धनतेरस वाले दिन खरीदें। उसके बाद है वो है साबुत धनिया, क्योंकि साबुत धनिया भी खरीदने से आपको बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो आप हमेशा ही धनतेरस वाले दिन साबुत धनिया खरीदें और दिवाली दिन उसके अच्छे से पूजा करें। और अहम चीज़ जो है आपको धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदनी चाहिए वो है झाड़ू, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का वास माना जाता है। या घास की झाड़ू खरीद सकते हैं, इससे आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, दुख, मन मुटाव, क्लेश, तो ये सारी चीज़ें आपके घर से बहुत दूर चली जाएंगी। और हमेशा धनतेरस वाले दिन के कुछ ही दिन पहले आप अपने घर को और कोने कोने को अच्छे तरीके से साफ करें, जिससे निगेटिविटी आपके घर से बहुत दूर रहेगी। और झाड़ू खरीदने से आपको हमेशा पॉजिटिव फल, मतलब शुभ फल मिलेगा, और नकारात्मकता बहुत दूर आपके घर से चली जाएगी। तो झाड़ू के बाद अगर आप मध्यम वर्गीय खरीद सकते हैं तो आपको हमेशा पीतल का आप एक बर्तन भी ले लीजिए, एक चम्मच भी ले लीजिए, तो पीतल का हमेशा कुछ ना कुछ आपको धनतेरस वाले दिन ज़रूर से लेना चाहिए, क्योंकि पीतल बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। तो आपको हमेशा पीतल के बर्तन भी, कुछ भी आप ले सकते हैं पीतल का, तो लेना ही चाहिए। तो आप चांदी के सिक्के ले सकते हैं, और चांदी के सिक्के अगर आप नहीं लेना चाहते तो चांदी से बने गणेश जी, लक्ष्मी जी की आप मूर्ति ले सकते हैं। अभी खड़ी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो नहीं लेना चाहिए लक्ष्मी, क्योंकि अगर खड़ी हैं तो वो चलायमान है, कभी भी आपके घर से जा सकती हैं। तो आपको कभी भी खड़ी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा नहीं लेनी है, हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेनी है, जिससे वो आपके घर में हमेशा स्थिर ही रहें और हमेशा बनी रहें।
ये तो थी कुछ चीज़ें जो आप पौड़ी भी खरीद सकते हैं, जिनसे पहले आप खेलते थे बचपन में, तो वो पौड़ी भी बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो आप धनतेरस वाले दिन पौड़ी भी खरीद सकते हैं, और आप सोने चांदी का इलेक्ट्रिक सामान या कपड़े भी खरीद सकते हैं, ये सारा कुछ शुभ माना जाता है। चांदी श्री यंत्र भी आप खरीद सकते हैं, तो इनसे आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति बीमा बहुत ही अच्छा शुभ फल मिलेगा, और लक्ष्मी जी आपके घर में अवश्य ही धनतेरस वाले दिन आएंगी। तो ये वीडियो, आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।